हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, एफसीएल 9 का चैंपियन हमें मिल चुका है और इस बार एक नई टीम चैंपियन बनी है, पीके चैंपियंस। एक्चुअली मैं हाफिज आर्मी ने ये टूर्नामेंट विन किया है, लेकिन इनका होम क्लैन पीके चैंपियंस है। सो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने पीके चैंपियंस जो है वो यहाँ पे लिखा है। सो ये टाउन 14 5 वर्सेस 5 का टूर्नामेंट था, 8 डेज चला टूर्नामेंट और टोटल 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड वी गॉट वन विनर आउट ऑफ 24 टीम्स, पीके चैंपियंस। सो देखते हैं कि पीके चैंपियंस का फाइनल में किसके साथ मैच हुआ था। हाफिज आर्मी का रिवेंजर्स के साथ फाइनल हुआ था, 14 और 12 के स्टार्स के मार्जिन से इन लोगों ने ये वॉर विन की। और रिवेंजर्स का अगर मैं आपको बताता चलूँ तो CWL के लास्ट सीजन के अगर आप जाके लिस्ट देखें तो वर्ल्ड में नंबर 5 के ऊपर ये आप लोगों को मिलेंगे। और रिवेंजर्स के मेन प्लेयर ही थे जो कि ये टूर्नामेंट खेल रहे थे। सो रिवेंजर्स के अटैक से हम स्टार्ट करेंगे। स्पाइकेट के ऊपर इन लोगों ने 3 स्टार अटैक किया था, क्वीन वॉक लावा लोन। सो क्वीन वॉक लावा लोन, ब्लीजर्ड लावा लोन के लिए ये लोग मोस्ट फेमस हैं। ड्रैगन एड्रेस भी समटाइम्स ये लोग यूज करते होते हैं। सो क्वीन वॉक लावा लोन हो या क्वीन वॉक ड्रैगन एड्रेस हो, एक ही बात है। सो अगर हम यहाँ से देखें तो किंग और क्वीन इन लोगों ने एक साथ ही डाल दी थी। किंग से आई गेस इन लोगों ने सिर्फ ये पोर्शन लेना था, किंग की कुर्बानी दी है सिर्फ एक स्कैटर शॉट को लेने के लिए। और यहाँ से के सारी सीसी भी बाहर आ चुकी है और सारे के सारे हेड हंटर इनको किंग की एबिलिटी के अंदर ही मिल जाएंगे। सो अन इंटेंशनली एक गुड मूव रह गया एम जे लव आइस की तरफ से और शायद इनको क्वीन भी मिल जाए, लेकिन क्वीन नहीं मिल सकी, आरसी तो खैर मिल गई। एक्सपो ने क्वीन को टारगेट कर दिया है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसने आरसी डाल दी है। अब आरसी कितने डिफेंसेस को डाउन करेगी ये देखना है। ओके, सो वन मोर सुसाइड, क्वीन कहाँ तक पहुंची है? थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्वीन को ज़रा जल्दी देखना है। सारे ट्रूप्स यहाँ से आ चुके हैं और क्वीन अंदर आ चुकी है। ओके, सो क्वीन जो है वो टाउन हॉल ले लेगी। यहाँ से देखते हैं बाकी ट्रूप्स, 8 ट्रूप्स स्कैटर हो गए हैं, इनको यहाँ पे बैलून यूज करने चाहिए थे। एनी हाउ 3 स्टार अटैक तो खैर हो गया था, अब जाके एबिलिटी भी यूज कर लिया है। सो एक्सपो वंस अगेन यहाँ पे ग्राउंड थी। आई गेस सारी एक्सपोज जो है ना वो क्वीन वॉक कुछ सोचते हुए देखते हुए इन्होंने जो है ना सारी एक्सपोज को ग्राउंड रखा था। हर बेस में इनकी 2 से 3 एक्सपोज जो थी वो ग्राउंड थी। फ्लेम फ्लिंगर अभी टूटी है, वहां से ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं। सो ट्रूप्स तो सारे खत्म हो गए थे, क्वीन एक्चुअली में जिंदा रही है और सारे के सारे हीलर भी। सो ये अटैक इजली 3 स्टार हो गया था। यस, अटैक बहुत अच्छा था जबरदस्त। असद खान का अटैक देखते हैं, नॉट असद खान, असद खान की बेस के ऊपर जो अटैक हुआ तो वो देखते हैं। सो वन सेकेंड, 1 2 3 तीन एक्सपो जो है वो ग्राउंड है, एक इन्फर्नो सिंगल टारगेट रखी हुई है और वाह। सो एक्सपो ग्राउंड है, एयर ट्रूप्स को टारगेट नहीं करेगी और क्वीन की जो रेंज है वो भी थोड़ा सा बाहर है। सो इनको ये ईगल जो है वो आराम से मिल जाएगी। सो अगर आप देखें तो इनको पूरा कंपार्टमेंट, आधा कंपार्टमेंट तो मिल ही गया है, बस और कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये लोग येटी यूज करते तो फिर इनको एक रेज भी यूज करना पड़ना था, क्योंकि विदाउट रेज जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं मिलता येटी से कि वो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ले ले। सो अब इनका इरादा ये है कि किंग जो है वो टाउन हॉल वाले कंपार्टमेंट में जाएगा और क्वीन यहाँ से सफाया करना स्टार्ट करेगी। यकीनन ये किंग बाहर जा रहा है। ओके, और वॉल ब्रेकर ने बहुत अच्छी वॉल ब्रेक की है। अब क्वीन जो है वो टाउन हॉल की तरफ आ चुकी है, यूनिकॉर्न मर जाएगा। ओ बच गया, मर गया। सो यूनिकॉर्न इज डेड, आरसी भी आ गई है।
सो अब हमारे पास काफ़ी अच्छा फनल बन जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट बन चुका है, ज़रूरत ही नहीं रही। ओके अब यहाँ से ड्रैगन रैपिड्स आ चुके हैं, फनल वी कैन सी बहुत अच्छा फनल बना हुआ है। तीन हेड हंटर है अभी इनके पास, अब उसे देखना है कि ये हेड हंटर को यूज़ कैसे करते हैं। ओके सो ये हेड हंटर आ चुके हैं और तीन हेड हंटर आए हैं और वार्डन की एबिलिटी यूज़ हुई। पहले इन्होंने किंग को डाउन किया, तीनों के तीनों हेड हंटर जा रहे हैं क्वीन की तरफ, क्योंकि ये तीनों भी वार्डन की एबिलिटी के अंदर हैं, सो इस वजह से इन्होंने क्वीन को भी डाउन कर दिया। और सो ये सवाल करने के चक्करों में है, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, ये अटैक बहुत जबरदस्त था, रिवेंजर्स वालों की तरफ से बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे ये अटैक। चार स्पेल्स का इन लोगों ने स्वैग किया है, क्लीन अप के लिए रुक नहीं था क्या है? सो फुली कंट्रोल्ड अटैक, 100% कंट्रोल्ड अटैक किया इन्होंने, कोई लक ने इनका साथ नहीं दिया। जुनेद की बेस के ऊपर स्पाई किड ने अटैक किया था और स्पाई किड जो है वो ब्लिजर्ड अटैक कर रहा है, दो लाइटनिंग स्पेल भी हैं, सो यकीनन कोई एक एयर स्वीपर ये डाउन करेगा। ओके क्वीन बाहर की तरफ वॉक करेगी, किंग अंदर आ चुका है, सारे ट्रूप्स भी अंदर आ चुके हैं, एबिलिटी अब देखते हैं कब यूज करेंगे, अभी सारे के सारे ट्रूप्स वार्डन एबिलिटी के अंदर नहीं है, सो ये सारे के सारे अगर आप ड्रैगन देखें, तीन ड्रैगन जो है वार्डन एबिलिटी के अंदर नहीं आए। ओके अब ब्लिंक भी इन्होंने थोड़ा पहले ही तोड़ दिया, पता नहीं तोड़ा है या फिर टूट गया, और टोर्नेडो जो है वो एक्टिवेट हो गया था, सो इनको टाउन हॉल तो नहीं मिल सकेगा। अब देखना ये कि इनको ये दो बिल्डर मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि अगर ये नहीं मिले तो फिर ये टाउन हॉल की हेल्थ को दोबारा से फुल कर। ओके सो वो तो मिल चुके हैं क्योंकि 3 स्टार अटैक हुआ था, तो यकीन आई गेस आरसी ने जो है टाउन हॉल को डाउन किया है। क्वीन है, क्वीन अभी इधर फिर रही है, आरसी जाएगा, किंग डाउन हो गया, सो दो फ्री स्पेयर अभी इनके पास बाकी थे, ये ना फ्री स्पेयर थोड़ा सा गलत हो गया। आपकी बारी, फ्री स्पेयर सही डाला। ओके सो टाउन हॉल डाउन हो गया है, दो ट्रूप्स और क्वीन, सो मेन बात ये थी कि क्वीन की एबिलिटी भी अभी इनके पास बाकी थी, सो इस वजह से जो ये अटैक 3 स्टार हो गया। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि वार्डन साथ में जिंदा रहता है, तो इस वजह से ये 3 स्टार अटैक हो गया, वरना यूनिकॉर्न की और क्वीन की एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतने ज़्यादा डिफेंसिस को डाउन कर सके। सो यस वार्डन ने इसका साथ दिया, वार्डन अगर जिंदा ना होता तो ये 3 स्टार अटैक ना होता। आई विल लालू दिशा ने इसके ऊपर अटैक किया है, 3 स्टार अटैक है और सुपर बॉलर्स यूज किए हैं इस बार। ओपन बेस है काफी, तो यहाँ पे ये कैसे, तो आई गेस टाउन हॉल वाली तरफ से ये करेंगे, आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, यहाँ से तो सीसी फौरन के फौरन बाहर आ जाएगी, और ये ट्रैप्स बाहर आ चुके हैं, सीसी भी बाहर आ चुकी है, और आपने अपना फ्लेम फिंगर डाला हुआ है। वार्डन यहाँ से चलो कर लेगा थोड़ा सा क्लीन अप जो भी करना है उसने। ये विजर्ड कहाँ जा रहा है? सेकेंड अटैक है जिसमें यानी कह लो लक बाय चांस पीके चैंपियन यानी हाफिज आर्मी वालों को जो है वो 3 स्टार अटैक मिला है। अब ये देखना है कि ये टाउन हॉल यकीनन दोबारा आरसी से लेगा। सुपर बॉलर की हिट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेडली रही हैं,
बहुत ही ज्यादा डेडली। यहाँ से अगर हम देखें तो इतना ज्यादा कुछ इनके पास नहीं बचा। फ्रीज भी यूज कर लिया, किंग को फ्रीज कर दिया है इन्होंने। और ये एक अच्छी सी टिप मिल गई है मुझे कि अगर इस तरह की ओपन बेस आ रही हो तो फिर आप अपनी वार्डन वॉक और जो आपने फ्लेम फ्लिंगर जो यूज करना है वो टाउन हॉल की तरफ से यूज करें। एक रिस्क लिया था जो कि बहुत अच्छा रहा और इनको 3 स्टार जो है वो मिल गया। एमजे लव आइस के ऊपर गुरु भाई ने अटैक किया है और गुरु भाई तीन तीन क्लोन स्पेल इन्होंने यूज किए हैं। इस बार इस बेस के ऊपर इन्होंने ब्लिजेट क्यों नहीं किया, इंटरेस्टिंग। लेकिन एक दो दो एच पे इन्होंने ग्राउंड रखी हुई नहीं। इस बार ही सारे के सारे ट्रूप जो वार्डन एबिलिटी के अंदर ही आएंगे। यस आ चुके हैं, क्लोन स्पेल्स बहुत जल्दी डाल दी है इन्होंने। ओके सो क्लोन स्पेल ने अपना सारा डैमेज दिखा दिया, पूरा का पूरा कोर जो है वो डाउन हो चुका है। बल्कि हमें यहाँ से भी ये एक एयर डिफेंस मिल जाएगा, शायद एक्सबो भी मिल जाए, नहीं एक्सबो नहीं मिल सकी। लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी डन, इनके पास अभी काफ़ी सारे ट्रूप्स हैं वो भी जिंदा हैं। लेकिन आरसी भी अभी जिंदा थी, ओपोनेंट की आरसी भी जिंदा है और हमारी आरसी भी सर जिंदा ही थी। ट्रैप्स काफी अच्छे रखे हुए थे इन्होंने, ये अटैक भी काफी ज्यादा फंस गया था। इस फाइनल के अंदर इनकी ना लक जो है ना वो हाफिज आर्मी वालों के साथ रही है। काफी क्लोज अटैक्स गए हैं, काफी ज्यादा क्लोज अटैक्स गए हैं। जीरो की बेस के ऊपर असद खान ने अटैक किया था एंड आई रिमेम्बर दिस वाज द लास्ट अटैक ऑफ दैट टूर्नामेंट। सो अगेन इन्होंने सुपर बॉलर यूज किए हैं और एक पैका यूज किया हुआ है। नॉर्मली लोग दो येटी यूज करते होते हैं। कोई चीज बाहर नहीं आई वंस अगेन। वाह, यानी वॉल ब्रेक की और वहां से सीसी बाहर आ गई। सीसी के अंदर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फ्लेम फिंगर यहाँ पर अपना डैमेज दे रहा है, अगर सीसी फ्लेम फिंगर की तरह चली जाती फिर यकीनन प्रॉब्लम होनी थी। यहाँ से फनल तो बन चुका है, वार्डन से ही फनल नहीं बना सका। जंप स्पेल पहले ही रन डाल दिया था, अपग्रेड स्पेल थोड़ा सा आगे करके डाला है। वार्डन एबिलिटी भी अच्छी यूज की है, कोर के अंदर वार्डन एबिलिटी यूज की है। फ्रीज पहले भी इनके बाद बाकी इनको टाउन हॉल को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज और रेच दोनों का इन्होंने यूज बहुत अच्छा किया है। फ्लेम फ्लिंगर के अंदर आई गेस इनको हॉग्स नहीं यूज करने चाहिए थे। आरसी किधर है, आरसी ये रही। अकेली आरसी ये सारे डिफेंसेस को खा जाएगी, अपनी एक एबिलिटी के अंदर ही उसने 4 डिफेंसेस इसको डाउन कर दिया। गाइस ये था FCL9 का फाइनल और बहुत ही जबरदस्त फाइनल रहा था ये। आई मिस्ड कि मैंने इसको लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं किया, लेकिन चलें कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जो भी फाइनल होगा, जो भी टूर्नामेंट होगा, हमारी कोशिश ये होगी कि हर रोज कोई ना कोई एक मैच है उसको लाइव स्ट्रीम करें। आई होप कि आप लोगों को ये टूर्नामेंट पसंद आया होगा। ये मैच तो खैर यकीनन बहुत ही कांटेदार रहा है, आपको ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी नेक्स्ट कोई FCL का टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ होगा 5 vs 5 और 14 ही होगा, तो नीचे दोनों नंबर दिए हैं मैं, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी टीम रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री है और एंट्री फीस भी
फ्री है. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर प्लेइंग एफ सी एल विद अस.